हेलो एवरीवन, विशाली हियर। वेलकम बैक टू व्यूअर शो इज विशा जी। गाइस, वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें फॉर मोर अपडेट्स। इनके डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने आपके साथ 6 हैंड्स फ्री एंड डिफरेंट वेज शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से इसे देख सकते हो। बट इस वीडियो के एंड में, इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 हैंड्स फ्री एंड डिफरेंट वेज शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम शॉल के एंड पर एक नोट लगाएंगे। सेम दूसरी साइड पर भी एक नोट लगा लेंगे। दोनों साइड्स पर नॉट्स थोड़ा नीचे की तरफ लगाएंगे। अब दोनों हैंड्स को पकड़ेंगे और बैक साइड पर डबल नॉट लगा लेंगे। अब एक साइड से शॉल को इस तरीके से नेक के अराउंड पहन लेंगे। अब इसे बाहर की तरफ पुल करेंगे ताकि तीनों नॉट्स एक साइड पर आ जाएं। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टाइल कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टाइल के लिए शॉल को हाफ में फोल्ड करेंगे, देन अगेन एक बार और फोल्ड करेंगे। देन ओपन साइड के दोनों एंड्स पर सेफ्टी पिन लगा लेंगे। अब इसे एक बार टर्न कर लेंगे ताकि हमने जो सेफ्टी पिन लगाई है वो फ्रंट साइड पर विजिबल ना हो। अब जहां हमने सेफ्टी पिन लगाई है वहां से इस तरीके से इसे पकड़ेंगे और इन्हें एज अ जैकेट की तरह पहन लेंगे। अब टैसल वाले पार्ट को भी रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेंगे ताकि टैसल फ्रंट साइड पर विजिबल ना हो। पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है और इसी के साथ हमारा सेकेंड स्टाइल भी कम्प्लीट होता है। थर्ड स्टाइल के लिए शॉल को बैक साइड से नेक पर इस तरीके से पहन लेंगे। शॉल के दोनों एंड्स इक्वल कर लें। अब कड़ा या फिर ब्रेसलेट लेंगे और शॉल को कड़े के बीच में से निकाल लेंगे। अब शॉल को शोल्डर पर फैला लेंगे। पहनने के बाद ये फ्रंट और बैक से कुछ इस तरीके से लगता है। और इसी के साथ हमारा थर्ड स्टाइल भी रेडी है। फोर्थ स्टाइल के लिए शॉल के दोनों एंड्स को डबल नॉट लगाकर बैक पर ले जाएंगे। देन इन्हें ओवरलैप करके रॉन्ग साइड पर सेफ्टी पिन लगा लेंगे। अब इस टैसल वाले पार्ट को भी आगे की तरफ कर लेंगे तो इस तरीके से दोनों साइड्स पर पॉकेट्स बन जाएंगी। तो ये फ्रंट और बैक से कुछ इस तरीके से लगता है। और इसी के साथ हमारा फोर्थ स्टाइल भी रेडी है। फिफ्थ स्टाइल के लिए शॉल को शोल्डर पर इस तरीके से पहनेंगे। दोनों एंड्स को इक्वल कर लें, देन जितना नीचे इसे पहनना है उतना रखकर फ्रंट साइड पर इस तरीके से रॉन्ग साइड पर सेफ्टी पिन लगा लेंगे। दोनों साइड से इसे सेट कर लें। ये स्टाइल इंडियन या फिर मिडी ड्रेसेस के साथ काफी अच्छा लगता है। और लीजिए, हमारा फिफ्थ स्टाइल भी रेडी है। सिक्स स्टाइल के लिए शॉल को इस तरीके से बैक साइड पर डबल नॉट लगा लेंगे। देन फ्रंट से इसे सेट कर लें। देन अगर आप चाहो तो इसके ऊपर जैकेट भी पहन सकते हो। और इसी के साथ हमारा सिक्स्थ और लास्ट स्टाइल भी कंप्लीट हुआ।
गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद आया और फ्यूचर में आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।